नमस्कार मित्रों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। मैं SCN सुजला से शिव कुमार तिवारी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले धन्यवाद YouTube चैनल का जो कि अमेरिका से प्रसारित होता है और मुझे YouTube अमेरिका से सिल्वर बटन अवार्ड मिला है और वो उसका विमोचन मैं आप सबके सामने करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप सबकी बदौलत मिला है। मेरे इष्टदेव बालाजी महाराज के कृपा माता पिता के आशीर्वाद से मिला है और ये कल सुजानगढ़ पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होने के बाद में ये अवार्ड YouTube अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है और मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 2,10,000 हो चुकी है और साथ में मेरे व्यूवर्स की जो संख्या है वह है 3,35,00,000। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बता दूँ कि 14 जनवरी 2017 को हमने चैनल शुरू किया था, यानी 1.5 वर्ष की अवधि में और इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला है और ये सब आप सबकी बदौलत, आप सबके प्रेम, आप सबके सम्मान से मिला है और इसका विमोचन मैं आप सबके सामने कर रहा हूँ। ये आपको बताना चाहूँगा, ये अमेरिका से मिलता है, अमेरिका से कोरिया, कोरिया से चाइना और चाइना से ये हिंदुस्तान पहुँचता है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट है, एक बार क्लोज करें विवेक इसको। इस पर आप देख रहे हैं यूट्यूब, इसमें बधाई संदेश है कि आपके सब्सक्राइब की संख्या 1 लाख हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं जो अवार्ड मिला है, इसको सिल्वर बटन कहते हैं, सिल्वर प्ले बटन, साथ में इसको सोसाइटी अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हम अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं यूट्यूब पर और यूट्यूब के परिवार के सदस्य हो चुके हैं, यानी सोसाइटी के मेंबर हो चुके हैं, इसलिए इसको सोसाइटी अवार्ड भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये मैं पूरी तरह से अपने इष्टदेव बालाजी महाराज, माता पिता और आप सब दर्शकों को केवल और केवल आपकी बदौलत मिला है। आप सब ने मेरे चैनल को इतना प्यार से देखा है। मैं आपको बता दूँ कि अब तक मेरे चैनल को 20 करोड़ मिनट देखा जा चुका है, जो कि राजस्थान में रिकॉर्ड है। जिस गति से देखा गया है वो एक कीर्तिमान है और ये सब आपने करवाए हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है SCN सुजला यूट्यूब और ये सिल्वर प्ले बटन, ये जो आप देख रहे हैं इसको सिल्वर प्ले बटन कहा जाता है। और कहते हैं कि कोई भी सम्मान मिलता है तो वो जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। ये अगर मुझे सम्मान मिला है तो इसलिए मिला है कि मैंने सकारात्मक रिपोर्टिंग की है, मैंने वो कार्यक्रम आप तक पहुंचे हैं जो समाज को संदेश देते हैं या आप में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। नेगेटिव रिपोर्टिंग हमने नहीं की है जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए, ऐसा कार्यक्रम अभी तक हमने कभी नहीं दिखाया और हम संकल्प भी करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम दिखाएंगे भी नहीं। और इसमें एक और व्यक्ति का जो बहुत बड़ा योगदान है वो है हमारे चीफ एडिटर, मेरे बेटे विवेक तिवारी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा मेरे साथ। विवेक एक बार आप आएँ, जो आधी रात को भी जाकर ऑफिस जाकर कार्यक्रम को एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि कार्यक्रम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। मैं कवरेज करके लाता हूं, पास में विवेक। और ये विवेक क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा है कि हमें ये अवार्ड मिला है और बहुत ही कम ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है हमारे क्षेत्र के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में ही बहुत कम चैनल्स हैं जिनको इस तरह की उपलब्धि हासिल हुई है और मैं बार बार आप सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस अवार्ड के लिए, क्योंकि आप चैनल देखते हैं तो ये अवार्ड हमें मिलता है। वैसे आपको बता दूँ, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद में मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 2,10,000 हो चुकी है, लेकिन आपको एक अप्लाई भी करना पड़ता है। कई बार अवार्ड आप तक नहीं पहुँचता तो आपको यूट्यूब पर एक एप्लीकेशन भेजनी होती है कि ये हमारे सब्सक्राइबर की संख्या ये हो चुकी है। और साथ में यूट्यूब के लिए आपको जो करना होता है वो केवल प्रोग्राम बनाना और यूट्यूब पे डालना होता है, बाकी सब कुछ यूट्यूब करता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तिवारी जी, यूट्यूब पर आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको पैसा कैसा मिलता है? कुछ नहीं करना होता, आपका केवल और केवल काम होता है कि ये प्रोग्राम बनाएं और यूट्यूब पर डालें। उसके अलावा सब कुछ आपसे अगर मोनेटाइज होता है तो यूट्यूब ही आपको ये बताता है आपका कितना पैसा मिल रहा है, यूट्यूब आपको बताता है। और साथ में जब आपको अवार्ड मिलता है उसकी सूचना भी यूट्यूब, टोटल आपको ये यूट्यूब के द्वारा सूचनाएँ प्रदान की जाती है और उसके बाद में आप तक ये अवार्ड पहुंचता है। मैं इस अवसर पर एक संकल्प भी करना चाहता हूं कि 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में आपको गोल्डन बटन मिलता है और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा
कि अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाएं और आप लोग प्रेम बनाए रखें ताकि जल्दी से जल्दी मुझे वो माइलस्टोन भी मिले, वो उपलब्धि मिले, और वो उपलब्धि केवल और केवल आप यानी मेरे दर्शक का दिलवाएंगे, और उसके लिए मैं प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस अवसर पर मेरी इच्छा तो ये है कि मैं एक एक दर्शक का, एक एक सब्सक्राइबर का जाकर धन्यवाद ज्ञापित करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पत्रकार लोगों की व्यस्तता भी बहुत रहती है। लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ है जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, वो हैं श्री जनार्दन जी जांगिड। आप बैंक अधिकारी हैं और आपके बेटे ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड प्राप्त किए हैं, सुधांशु जांगिड। उस युवा से भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। आप मेरे बहुत बड़े दर्शक हैं, प्रत्येक कार्यक्रम को देखते हैं, उसके बाद में उस पर कमेंट करते हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉल करके बताते हैं कि आज का कार्यक्रम आपका अच्छा रहा। अगर उसमें कोई कमी भी रही है तो आप मुझे बताते हैं कि आज आपने ये यहाँ पर गलती की है। इस अवसर पर मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और एक कॉमेंट उनसे भी लेना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? शिव कुमार जी, निश्चित रूप से ये पूरे सुजांगण के लिए गौरव की बात है। आप और आपकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं नियमित रूप से आपके इस चैनल को देखता रहता हूं और जैसा कि आपने बताया कि भैया आप 1,00,000 दर्शक इस क्रॉस कर चुके हैं और आगे आप 10,00,000 क्रॉस करने की आपकी इच्छा है, तो मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपको कि बहुत जल्दी आपकी ये संख्या, दर्शकों की संख्या 10,00,000 से ऊपर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी। और मैं एक बार पुनः आपसे विदा लेने से पहले पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये प्रेम, ये सम्मान बनाए रखें। मेरे पास शब्द नहीं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार पुनः आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ासतौर से यूट्यूब का।